रहे हैं जो दीपेंद्र हुड्डा से जुड़ी हुई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है, किसानों के आंदोलन पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, राजहट छोड़कर राजधर्म निभाए सरकार। दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान है, कृषि कानूनों से पूरे देश का किसान बेहाल है। दीपेंद्र ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा है, दुष्यंत को किसानों से ज्यादा कुर्सी प्यारी है, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही है। ये समय सत्ता के लालच का नहीं, किसानों का साथ देने का है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार राजहट छोड़कर राजधर्म निभाए, कृषि कानूनों से पूरे देश के जो किसान हैं वो बेहाल हैं। इसके अलावा उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत को किसानों से ज्यादा कुर्सी प्यारी है, यह समय सत्ता के लालच का नहीं किसानों का साथ देने का है। तो दीपेंद्र हुड्डा का बयान किसान आंदोलन को लेकर आया है, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सरकार पर निशाना साधा है, वहीं दुष्यंत चौटाला को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। हालांकि कल दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि अगर एमएसपी पर कोई बात आती है तो वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद से दीपेंद्र हुड्डा ने यह निशाना साधा है और कहा है कि यह समय सत्ता के लालच का नहीं बल्कि किसानों का साथ देने का है, दुष्यंत को किसानों से ज्यादा कुर्सी प्यारी है। इस पर कविता शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कविता, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान आया है, जैसे एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरे तरफ इसके साथ हरियाणा में जो सियासत है वो भी तेज हो गई है। बिल्कुल खालिद, देखिए एक तरफ किसान का आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उस न केवल किसानों में गुस्सा है बल्कि राजनीतिक जो दबाव है सरकार पर, राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ज्यादा हमलावर हो रही है। और आज जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा खरखोदा पहुंचे थे, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज समय राजहट का नहीं है बल्कि सरकार को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। जिस तरह से किसान आज पूरे देश का सड़कों पर आ गया है, उसे देखते हुए सरकार को अपना राजधर्म निभाना चाहिए, किसानों की मांग को सुनना चाहिए। जी जी कविता, साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस है वो जेजेपी पर एक तरह से हमलावर है, आज हमने एक तो दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान हमने आपको सुनाया और दूसरा भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि वोट किसी और के लिए लिया गया और सपोर्ट किसी और को किया गया है, तो क्या एक तरह से जो है वो जो हरियाणा की राजनीति है वो इस किसान आंदोलन के बहाने गर्माते जा रही है? बिल्कुल खालिद, आपने ठीक कहा है क्योंकि मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में लाजमी है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाना चाहता है और लगातार इस किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। जैसा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री, उनके बयान के ऊपर पलटवार करते हुए कहा है कि दुष्यंत चौटाला जो बार बार ये कह रही है कि एक तरफ तो वो किसानों के साथ है, दूसरा उन्हें जो कुर्सी का मोह है वो नहीं उनसे छूट रहा है, आज किसानों से उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। एक तरह से विपक्ष जो है ना केवल सरकार को घेर रहा है बल्कि जो हरियाणा में तेजी से उभरी थी जेजेपी पार्टी उस पर भी हमलावर हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए कविता बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार निशाना साधा है सरकार और दुष्यंत चौटाला और कहा है कि राजहट छोड़ के राजधर्म